सोने जैसी चमक। जंगल दरबेन का वालिस तम जिंदगी तकरीबन काफी मैं वाली नुकसान दिल तकरीबन 4-5 साल गए आने मुठो 2 साल गए 7 साल तकरीबन गए मजा मस्त मस्त मैं वाली नुकसान दिल 7 साल गए बस 7-8 साल बस आने मुठो नेता मुसस मैं संतो। एक तरफ यहां सोना तलाश किया जा रहा है, दूसरी तरफ वहां, और तीसरी तरफ हीरे जैसे बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं। इन बच्चों के जिस्मों पर ना महंगे कपड़े हैं, ना हाथों में खिलौने और ना ही कागज कलम, लेकिन फिर भी ये दुनियाओं माफिया से बेनियाज अपना ही खेल खेल रहे हैं। ऐसा खेल जिसमें पत्थर भी खिलौने बन जाते हैं और इसमें खेलते हुए बच्चे भी खिलौना बन जाते हैं। ये बच्चे रेत पत्थरों और चट्टानों से खेलते खेलते जब उनफवाने शबाब में दाखिल होते हैं तो इनके हाथों में कश्ती नुमा तख्ता, लकड़ी की तश्तरी और जंगला आ जाता है और ये बिना किसी हीलो हुज्जत के वही काम करने पर मामूर हो जाते हैं जो इनके बड़े पुश्त दर पुश्त करते चले आ रहे हैं। रेत और पानी के मिलाप से सोना ढूंढने का काम, ये इनका रोजाना का मामूल है, सुबह से शाम तक सोना तलाश करना। कश्ती नुमा तख्ते में मट्टी भरती रही, पानी गिरता रहा, तश्तरी में रेत और सोने के जर्रात चमकते रहे। धीरे धीरे शाम का साया फैलने लगा और रोजगार का सामान सिमटने लगा। यहां भी सूरज की शुआएं मध्यम होने लगी हैं। सूरज का पिघला हुआ सोना दरिया के पानी में चमकने लगा। दरख्तों के पत्ते गहरे होने लगे हैं और चमकते हुए पहाड़ सुरमई चादर ओढ़ने लगे। सोना ढूंढने वाले हाथ शाम के साथ साथ ठहरते जा रहे हैं और फिर सामान समेटा जाने लगा और वापसी का आगाज हुआ। मुसाफिर अपने साए से कदम मिलाते हुए अपनी मंजिल की जानिब चल पड़े, उस मंजिल की जानिब जहां इनका शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। ये है पहाड़ों के बेटों की जिंदगी और जिंदगी की रेत से सोना निकालने की जुस्तुजू। रात का परिंदा पर फैलाता चला गया और ये चंद खेमों पर मुश्तमिल खाना बदोशों की बस्ती अंधेरे में डूबती चली गई। लेकिन तेजी से बहते हुए दरिया का शोर बराबर गूंजता रहा, ऐसा शोर जिसमें सुकून भी था और ऐसी तेजी जिसमें ठहराव भी था।